सुखदेव भगवान की। योग योगेश्वर महापुराम लाल जी, योग मार्तंड मुलकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्सर स्वामी देवधर महाराज के श्री चरण कमल में, हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग में जो जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वह है आनंद का भंडार। क्या जी आनंद के भंडार के ऊपर, आनंद का भंडार क्या कहाँ है, भंडार क्या है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। संसार में हम लोग आए हैं, सभी प्राणी के अंदर एक ही ख्वाहिश रहती है कि मुझे सुख शांति और आनंद की प्राप्ति हो। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य सुबह से लेकर रात तक प्रयत्नशील रहता है। कोई कहीं आनंद ढूंढता है, कोई कहीं ढूंढता है, कोई कहीं ढूंढता है। एक कवि ने कहा, तमन्ना है हर इंसान की, मैं हमेशा सुखी और आनंद में रहूं। तमन्ना है हर इंसान की, मैं हमेशा सुखी और आनंद में रहूं, कभी भी दुख मुझको ना सताए, कभी भी दुख मुझको ना सताए, सदा खुशियों से भरपूर रहूं। सबकी तमन्ना यही होती है कि मैं हमेशा सुख में रहूं, आनंद में रहूं और दुख चिंता अशांति में से दूर रहे। परंतु ये देखा जाता है कि मनुष्य जितना भी इस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, पुरुषार्थ करता है और बहुत भाग दौड़ में लगा रहता है, परंतु उसे सच्चे सुख सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। उसके स्थान पर उसे दुख की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं, परंतु कर्म करने पर भी उसे सुख के स्थान पर दुख की प्राप्ति होती है। यानी कि कर्म करने के बाद भी, पुरुषार्थ करने के बाद भी उसे विपरीत फल मिलता है और दुख की निवृत्ति के स्थान पर दुख दिन प्रतिदिन उसकी बढ़ती चली जाती है। जितना मनुष्य कर्म करता है, व्यापार करता है, पारिवारिक कार्य करता है, उतने वह देखता है कि मैं दुख और चिंताओं में गिर गया हूं। एक संत ने फरमाया कि संसार में सब कोई सुखी मांगते हैं, सुखी चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं मांगता, परंतु सुख की चाहना करने पर भी दुख उसके आगे आते हैं। ऐसा देखकर भी मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता कि उसे सुख के स्थान पर दुख क्यों मिलती है, दुख की प्राप्ति क्यों होती है, अगर वह इस बात की गहराई पर विचारे कि जबकि सुख आनंद और खुशी चाहते हुए भी, इसके लिए यत्न करते हुए भी, दिन रात भागदौड़ करते हुए भी मनुष्य को असली सुख असली आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इस रहस्य को केवल सतगुरु भगवान ही खोल सकते हैं। सतगुरु भगवान फरमाते हैं, मनुष्य की अभिलाषा तो ठीक है,
प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, आनंद चाहता है और खुशी के लिए कर्म करता है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं, फिर भी उसे सुख के स्थान पर दुख की प्राप्ति क्यों होती है? क्योंकि उसे समझ ही नहीं कि मुझे सुख और शांति की खोज कहाँ करनी है। वह सुख और शांति संसारिक पदार्थों में करता है और शरीर वह इंद्रियों के भोगों में वह सुख को खोजता है, परंतु शरीर इंद्रिय भोगों में कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। इस बात से संसार का मनुष्य अज्ञानी है। इस अज्ञानता के कारण वह संसारिक पदार्थों में शरीर में इंद्रियों में सुख भोगता है। गुरुदेव फरमाते हैं इसी कारण उसे दुख की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, हे अर्जुन, ये जो इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग है, ये यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह ये दुख रूप ही है, ये दुख के कारण है और ये सभी सुख अनित्य है, नित्य नहीं है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष, गुरु के भक्त और ज्ञानी पुरुष संसारिक पदार्थों में या शरीर इंद्रियों भोगों में लिपायमान नहीं होते, वो इनमें रमते ही नहीं। संसार के कर्म ऐसे महापुरुष निर्लेप होकर करते हैं और इंद्रिय भोगों से बहुत ऊपर रहते हैं, क्योंकि सद्गुरु भगवान योग अभ्यास के द्वारा अपनी चित्त वृत्तियों के ऊपर एक संयम शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अभ्यास के द्वारा अपने प्राणों का और मन का संयम करते हैं। प्राण और मन के संयम से महापुरुष संसारिक संसार में रहते हुए भी संसारिक कर्मों में लिपायमान नहीं होते, निर्लेप रहते हैं। योगेश्वर रामलाल जी के जीवन चरित्र को आप देखो, गृहस्थ में होते हुए भी वे निर्लेप रहे और हर पल योग युक्त अवस्था में रहे, यानी कि मन को प्राणों में, प्राण को मन में लय करते हुए मन और प्राण को दोनों को संयमित रखते और परमात्मा का चिंतन करते हुए वो स्वयं भगवान थे। उन्होंने तो शरीर रूप में अवतार लिया हम लोगों को जीवन का आदर्श दिखाने के लिए, किस प्रकार हम आदर्श में जीवन जीकर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति की ओर योग अभ्यास के द्वारा बढ़ सकते हैं और अंत में परमात्मा को हम योग के द्वारा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से प्रभु जी ने हमारे आगे अपने जीवन का एक आदर्श रखा। यही कारण, इसी आदर्श के कारण उन्होंने नरचोला लिया। प्रभु जी ने नरचोला में हमें अच्छी तरह समझा दिया, संसार में रहो, संसार के कर्म करो, परंतु इन कर्मों में लिपायमान मत रहो, यानी कि मन की वृत्तियों को माया भी दुनिया में मत फंसाओ, वृत्तियों को अंतर्मुखी करो, अंतर्मुखी रखो, क्योंकि अंदर ही आनंद का भंडार है। उसी प्रकार हमने देखा मुलकराज प्रभु जी जब रामलाल प्रभु जी के चरण में गए तो उनकी सारी वृत्तियां उन्होंने प्रभु जी के सत स्वरूप दिव्य स्वरूप में समा ली और वह दिव्यता की दिव्य स्वरूप के दर्शन करके लखराज प्रभु जी हर पल आनंद में रहते थे, अपने में मस्त रहते थे और उसी मस्ती में संसार में उन्होंने योग का प्रचार प्रसार करा। वही हमने देखा
गुरुदेव के जीवन में, जैसे छोटी सी उम्र में गुरुदेव को दादा गुरुदेव जी के दर्शन हुए, गुरुदेव दादा गुरुदेव जी के चरणों से जुड़े, तन मन धन से गुरु भक्ति में लग गए, गुरु सेवा में लग गए। गृहस्थ होते हुए भी पत्नी परिवार बच्चे पुत्र होते हुए भी महाराज जी के दान लगन अभिलाषा हर पल गुरु के सेवा में गुरु की भक्ति में लगी रहती थी और गुरु के आदेश अनुसार महाराज जी योग के प्रचार प्रसार की अंत तक सेवा में रत रहते थे। उनकी वृत्तियां केवल प्रभु जी में जुड़ी रहती थी और प्रभु जी में अपनी वृत्तियों को जोड़े रखते हुए उन्होंने योग का प्रचार प्रसार करा और गृहस्थ होते भी संसार में निर्लेप होकर रहे। महाराज जी स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार। उन्होंने नर चोले में अपने जीवन को एक आदर्शमय बनाते हुए उन आदर्शों को हमारे सामने रखा कि किस प्रकार गुरु की भक्ति गुरु की सेवा करते हुए हम निर्लेप होकर इस संसार में जी सकते हैं, इस संसार समुद्र को आसानी से पार कर सकते हैं। तो आगे महाराज जी फरमाते हैं, संसारिक भोग पदार्थ में सच्चा सुख एवं सच्चा आनंद मानकर जीव क्या करता है, संसारिक बाहरी जगत में विचरण करता है। जीव अपनी वृत्तियों को संसार में संसारिक पदार्थों में संसारिक संबंधों में और शरीर इंद्रियों में अपनी वृत्तियों को लगाए रखता है, परंतु यह मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। उसे समझ आना चाहिए कि संसार के सुख भोग सभी अनित्य, सभी नाशवान है और इन संसारिक पदार्थों में सुख की कामना करना ये एक हमारी अज्ञानता है। कहते सच्चा सुख सच्चा आनंद तो अन्न का भंडार प्रत्येक मानव के अंदर समाया हुआ है। प्रत्येक मानव आनंद का भंडार है क्योंकि ये आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश है, अविनाशी अंश है। परमात्मा संसार के मालिक है, परमात्मा आनंद के स्रोत है, परमात्मा ज्ञानवान है, सर्वशक्तिमान है, परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा विश्वव्यापी है, कण कण व्यापी है और प्रत्येक जीव उन परमात्मा के अविनाशी अंश है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, जब तक हम अपनी वृत्तियों को चित्त वृत्तियों को बाहर मुखी रखेंगे तब तक स्थायी सुख या आनंद हम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। स्थायी सुख या आनंद का भंडार प्रत्येक मनुष्य के अंतकरण में छिपा हुआ है और उस भंडार को पाने के लिए हमें ऐसे महापुरुष के चरण में जाना होगा जिन महापुरुषों ने इस आनंद के भंडार की खोज कर ली, जिसके हाथ में इस आनंद के भंडार की कुंजी। महाराज जी फरमाते हैं कि एक संत ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं यही भी दी आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु तो किसी अन्य स्थान पर है, मनुष्य किसी अन्य स्थान पर पहुंच गया तो फिर गलत स्थान पर खोज करने से वह वस्तु कैसे हाथ आ सकती है। संत कबीर जी फरमाते हैं, जिस वस्तु की मनुष्य को खोज है वह वस्तु तो तभी प्राप्त होगी होगी जब वास्तविक ठिकाने पर उसकी खोज की जाएगी। तो इसके लिए परम आवश्यक है उनकी जिन्हें उस स्थान की पूर्ण तरह जानकारी। इसका मतलब यह है कि मनुष्य
अगर आनंद का भंडार जो है प्रत्येक मानव के अंदर छिपा हुआ है, उस आनंद के भंडार से सही आनंद पाना चाहता है, तो उसे महापुरुष सतगुरु भगवान के शरण में जाना होगा। सतगुरु भगवान के कृपा के बिना इंसान इस आनंद के भंडार से आनंद की खोज प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो जीव इस नित्य सुख शाश्वत आनंद खुशी को पाना चाहता है, पाने की प्रबल अभिलाषा रखता है, उसे इस खुशी की भेदी अथवा मार्गदर्शक सतगुरु के चरणों में जाना होगा। और यदि सच्चे सुख एवं सच्चे आनंद का भंडार उसके अपने खट में भी विद्यमान है, परंतु क्योंकि मनुष्य इस बारे में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है, इसीलिए वह आनंद की खोज के लिए बाह्य जगत में भटकता है। जिस प्रकार महाराज जी बहुत बार विभजन में फरमाते रहे कि हिरनी के नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी से हिरनी को खुशबू आती है, वे आनंद मगन होती है, वो सोचती है ये खुशबू कहाँ से आई, उसको ज्ञान नहीं है कि उसके नाभि में कस्तूरी है। कस्तूरी के उस सुख को, उस आनंद को पाने के लिए वह उस कस्तूरी की खोज कहाँ करती है, जंगलों में, पत्तों में, घास फूस में खोज करते 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 जब उसके हाथ कुछ भी नहीं आता, उसको उस कस्तूरी की प्राप्ति नहीं होती, तो एक दिन काल के मुंह में उसका जीवन का अंत हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष जब तक ज्ञान नहीं है कि इस आनंद को मैं कहाँ से पा सकता हूँ, जब तक संसारिक पुरुष सतगुरु के पूर्ण महापुरुष के पूर्ण परमात्मा स्वरूप सतगुरु के शरण में नहीं जाता, तब तक वह अनभिज्ञ रहता है, ये ज्ञान मुझे कहाँ से मिलेगा, ये आनंद मुझे कहाँ से मिलेगा, इस बारे में वह अनभिज्ञ रहता है। और इस अनभिज्ञता के कारण ये वह संसारिक पदार्थों में और शरीर इंद्रियों में सुख ढूंढता है। यद्यपि ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, ग्रंथों ने इस बात को बार बार संकेत किया, परंतु संसारिक मनुष्य फिर भी इसे समझ नहीं पाता। संत सतगुरु भगवान फरमाते हैं कि वास्तविक सुख और आनंद का भंडार इंसान के अपने घट के अंदर है। इसलिए सतगुरु फरमाते हैं कि तुम अपनी चित्त वृत्तियों को बाह्य जगत से मोड़कर अपने अंतर जगत में ले जाओ, और ऐसा करने से तुम्हें सच्चा सुख, सच्चा आनंद की प्राप्ति होगी। महाराज जी फरमाते हैं, संत सतपुरुष फरमाते हैं कि सब कुछ इंसान के घट में विद्यमान है। इंसान के घट में सच्चा आत्मिक सुख, आनंद और आनंद का भंडार मौजूद है, परंतु और बाह्य संसार में सच्चा सुख आनंद कदापि नहीं। जो मनुष्य बाहर इस आनंद को ढूंढते हैं वह भ्रम का शिकार है। सद्गुरु कृपा से जिसने अपने घट में सुख और आनंद का भंडार को प्राप्त कर लिया, उसे फिर बाहरी सुख और आनंद की जरूरत नहीं होती, वह अपने अंदर ही सुख और आनंद में विभोर रहता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि प्रत्येक संसारिक मनुष्य को सतगुरु के शरण में जाकर उस आनंद के भंडार की खोज के लिए योग अभ्यास करना चाहिए। जब मनुष्य का मन और प्राण एक दूसरे में लय हो जाता है, तो उसके प्राणों में आनंद की लहरें उड़ती हैं। उन लहरों में उसका चित्त आनंद विभोर हो जाता है, और
उस चित्त का आकर्षण जो अंदर बैठा हुआ है परमात्मा आनंद का भंडार, उसकी तरफ चित्त आकर्षित होता है। आकर्षित होकर वह जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है, पर एक होते उसे स्थाई सुख स्थाई आनंद की प्राप्ति। एक उदाहरण देते हुए बाप महाराज जी फरमाते हैं, प्राचीन काल में राजा महाराजा खजाना रखते थे, खजाने की जानकारी सबको नहीं देते थे, उनके खास व्यक्ति होते थे, खास सेनापति होते थे जिनको खजाने की जानकारी होती थी। जब किसी को खजाने की जरूरत पड़ती थी, राजा उस विशेष व्यक्ति को बुलाकर आदेश देते थे, जाओ इनको खजाने का रास्ता दिखा दो, और जो तुम्हारे हाथ में खजाने की चाबी है, चाबी से तुम खजाने को खोलो, जितने गिरे जवाहर इन्हें चाहिए दे दो। उसी प्रकार भगवान सदगुरु के हाथ में ये खजाने की चाबी दे रखी है, और सदगुरु को इस खजाने का जानकारी की एक शक्ति दे रखी है भगवान सदगुरु, क्योंकि सदगुरु भगवान के साथ एक होते हैं, अभेद होते हैं, और सदगुरु परमपिता परमेश्वर के कृपा आशीर्वाद से उन्हें पूरा ज्ञान है कि आनंद के भंडार को संसारिक जीव कैसे खो सकता है, और उसकी चाबी पूंजी गुरु के हाथ में है, गुरु अपनी कृपा से आनंद के भंडार की को खोलते हैं अपनी पूंजी से, और संसारिक मनुष्य को उस शाश्वत आनंद की प्राप्ति कराते हैं। कहते हैं कि सदगुरु कृपा से जीव को इस प्रकार स्थाई सुख आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। महाराज जी फरमाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर सच्चा सुख आनंद का खजाना है, यह मन रूपी मकान में विद्यमान। आनंद कहाँ है? हमारे चित्त के अंदर, और इस मन रूपी मकान का छत क्या है? हमारा तन, और उस मकान का द्वार बंद है, उस पर ताला लगा हुआ है। इसकी कुंजी किसके हाथ में है? सतगुरु भगवान के हाथ में। सतगुरु भगवान के बिना इस कुंजी को कोई नहीं खोल सकता। इस प्रकार महाराज जी अंत में फरमाते हैं कि प्रत्येक संसारी जीव को स्थाई आनंद प्राप्ति के लिए परिपूर्ण सतगुरु के चरण शरण में जाना होगा, जाकर गुरु से गुरु के प्रति आत्मसमर्पित होते हुए उनके चरणों से गुरु मंत्र लेना होगा, गुरु मंत्र को प्राणों में जाप करना होगा, और मन को प्राणों में लय करना होगा, यानी के योग अभ्यास कर अपने चित्त विचार को अंतर्मुखी करना होगा, तभी वह संसारिक मनुष्य उस वास्तविक सुख शांति और आनंद को पा सकता है, यानी के गुरु की कृपा से ही संसारिक मनुष्य उस आनंद के भंडार तक पहुंच सकता है। तो महाराज जी फरमाते हैं, जीवन भी सुख आनंद और सुख आनंद और खुशी से तभी तुम व्यतीत कर सकते हो, तुम्हारा ये लोग भी सुख से भर जाता है, पर लोग भी तुम्हारा सुखेला होता है। तो इस प्रकार महाराज जी की इस ज्ञान को पाकर हमें अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाना चाहिए। क्या कि उस आनंद को पाने के लिए हमने अपनी वृत्तियों को बाहर मुखी नहीं करना, संसार में लिपायमान नहीं करना, उन वृत्तियों को गुरु की कृपा से उनके आशीर्वाद से मन का संयम प्राणों का संयम के द्वारा योग अभ्यास करते हुए अंदर ले जाना है।
गुरु की कृपा से जब हम इस प्रकार की पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब हमें उस स्थाई शाश्वत सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं और प्रभु जी के चरणों में लाख लाख शुक्राना करते हैं। गुरु की कृपा से इस प्रकार हमें नित प्रति योग ज्ञान की प्राप्ति हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपना जीवन और जन्म को संवार सकते हैं, यानी के सफल बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। हो सुखदेव भगवान योग योगेश्वर माप रामलाल जी योग मार्तंड मुलकेश भगवान सत्सरु देवी भगवान की जय।